आज की जो हमारी क्लास है उसमें पीएचपी में हम लूप के बारे में देख रहे हैं, और लूप को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से एक पैटर्न बना करके देखेंगे। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको हम बना करके काफ़ी अच्छा आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने पैटर्न्स के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया कि जब भी आप रो और कॉलम में पैटर्न्स बनाते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है और आपका जो पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रो की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या भी 5 है और पैटर्न आपका क्या है। यहाँ पर पैटर्न तीनों में अलग अलग हैं, तो पैटर्न को हम छोड़ देते हैं। प्लस यहाँ पर जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या पर, या कॉलम की संख्या जो है वो रो की संख्या पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है? तो रो की संख्या पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले रो में 5 स्टार है, दूसरे रो में 4 है, तीसरे में, यानी रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ये। तो इसको मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉलम की संख्या जो है वो रो की संख्या से 6 में से एक -1 करें, माइनस रो की संख्या करें तो हमारी जो कॉलम की संख्या निकल जा रही है। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1, पहले रो में कितने कॉलम है, यहाँ पर 6 -1 5, फिर 6 -2 4, रो की संख्या बढ़ते जा रही है और कॉलम की संख्या कम होते जा रही है। तो रो और कॉलम में कुछ इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, या इस तरीके का रिलेशन देखने के लिए मिलेगा आपको। क्लियर है? तो उसको हम अपना पीएचपी में करके देख सकते हैं और तीनों पैटर्न को हम फटाफट बना सकते हैं। हमको पता है कि पहले वाले में जो हमारा पैटर्न है वो है स्टार, दूसरे वाले में पैटर्न है हमारा रो, तीसरे में है कॉलम। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने जैम्प सर्वर यहाँ स्टार्ट करके रखा है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैम्प सर्वर का कंट्रोल पैनल यहाँ स्टार्ट है और दोनों की ही सर्वर मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। MySQL और अपाचे का सर्वर दोनों पोर्ट नंबर और प्रोसेस आईडी पर रन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपका ओपन करता हूँ हमारा लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट चला करके इसको ट्राई कर लेते हैं, सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। यस, हमारा सर्वर यहाँ पर अभी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हम अपना PHP का कोड ओपन करेंगे, वहाँ पर एडिट करेंगे और यहाँ पर हम लोड करके देखेंगे। तो हमारा PHP की जो डायरेक्टरी है, जैम्प सर्वर की डायरेक्टरी है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डी ड्राइव में जैम्प की डायरेक्टरी है। हम वहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना कोड। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव में जाऊँगा, यहाँ पर जैम्प के अंदर हमको HT डॉक मिलेगा। HT डॉक के अंदर हमने साई नाम का फोल्डर बनाया था और कल ये वाला कोड हमने किया था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये कोड भी ओपन है और कोड को भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर 3 विंडो ओपन है। सबसे पहला तो जो बैकग्राउंड में हमारा सर्वर चल रहा है और ये स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकल होस्ट करने पर डैशबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है और स्क्रीन पर हम अपना कोड देख पा रहे हैं और डैशबोर्ड पर यहाँ पर आउटपुट देख पाएंगे। तो 3 चीजें एक साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में ये बनाया था कोड और ये एक पैटर्न तैयार कर रहा था। इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए इसकी लोकेशन लेंगे साई, और ये जो हमारा जो फाइल था उसका नाम था test2.php। इस पर क्लिक करते ही हमने देखा कि हमारा जो CSS यहाँ पर सेट था, जिसमें बॉडी का कलर रेड और फॉन्ट साइज 36 कर दिए थे ताकि ये जो CSS, ये जो पैटर्न है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने बॉडी में PHP टैग लगाया था और ये पैटर्न हमने, ये स्ट्रक्चर हमने कल देखे थे कि रो और कॉलम लिया था, रो की वैल्यू 1 to 5 चलाई थी, इसकी वैल्यू 1 to 5 चलाई थी और रो प्रिंट कर रहे थे। तो अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सेम पैटर्न पर यहाँ पर जो कॉलम की वैल्यू है, हमने अभी देखा कि कॉलम की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है रो की वैल्यू पर, बट उनके बीच में रिलेशन क्या है। कॉलम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है 6 -r से। तो 6 -r लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 -r, 6 -r। इतना सा चेंजेस करते ही हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने ये वाला जो प्रोग्राम था हमारा, ये वाला जो पैटर्न था वो हमने रेडी कर लिया है। हमने अपना ये वाला पैटर्न अभी रेडी कर लिया। क्लियर है? अब हमको ये वाला पैटर्न रेडी करना है।
तो इस पैटर्न को रेडी करने के लिए हम क्या चेंज करेंगे, कुछ हमको सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर आर मिटा करके हम लिख देंगे सी। अब चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे ही सी किया और सी करके जब मैंने इसको सेव किया है तो, और यहाँ पर जब लोड किया तो हमारा ये वाला जो पैटर्न है वो आ गया। इस प्रकार से हम पीएचपी में लूप चला ले रहे हैं। हमने ये वाला पैटर्न भी अपना तैयार कर लिया, ये जस्ट उल्टा हो गया था लिखने में यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई है कि यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2, और यहाँ पर लिखना था हमको 1, ये लिखना था हमको। तो ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। सेम हमको ये पैटर्न अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, केवल ये वाला जो हिस्सा है इसके जगह में स्टार पैटर्न बनाना होगा। तो स्टार पैटर्न बनाने के लिए ये हम ले लेंगे, सेव करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। लोड करते ही हमको ये वाला पैटर्न भी मिल गया। तो ये काफी इजी पैटर्न था जिसमें हमने तीनों पैटर्न को बना करके देखा लास्ट क्लास में, और तीनों पैटर्न हमने देखे थे। अब हम यहाँ पर कुछ एडिशनल पैटर्न देखेंगे जो थोड़ा सा टफ होता है। जैसे मैं पैटर्न की बात करूं, ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पर आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं जो थोड़ा सा टफ है, और ये राइट अलाइनमेंट में है। इसमें अभी तक हम जो भी पैटर्न देखे थे ये लेफ्ट अलाइन था, अब ये राइट अलाइनमेंट वाला जो पैटर्न है ये हम देख पा रहे हैं, और इसको भी हम इस तरीके से राइट अलाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा पैटर्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी हम आज देखेंगे। जस्ट ऐसा ही हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2 2, यहाँ पे रहेगा 3 3, यहाँ पे रहेगा 4 4 4, और यहाँ पे रहेगा हमारा 5 5 5 5। क्लियर है। अब हमको ये तीनों पैटर्न बनाने हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमको रो और कॉलम यहाँ पर देखने होंगे। रो है 5, कॉलम है 5, पैटर्न डिसाइडेड नहीं है, और यहाँ पर कॉलम की संख्या जो है वो आर पे डिपेंड कर रही है, यानी पहले रो में 1, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4, अब देख पा रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक एडिशनल चीज भी चल रही है, कॉलम की जो संख्या है वो डिपेंड कर रही है 6 माइनस आर पे, यानी कि दो प्रकार के फॉर्मूले यहाँ पर चल रहे हैं, एक तो आर चल रहा है और एक 6 माइनस आर चल रहा है। तो इसको, इस लॉजिक को हम समझते हैं।